तो यहीं पे हम आज खान हेलो गुड मॉर्निंग। तो नई सुबह में आप सबका फिर से स्वागत है। फिर रात में हम रुके थे मक्सी मंदिर पर। ये वो मंदिर है यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था, ऊपर टेंट वेंट ऊपर ही लगाया था। और अभी क्या है कि हम यहाँ से सीधा जग गए हैं और सामान भी अपना बांध दिया है, सामान बांध के बस सीधा निकल रहे हैं तो यहाँ से। और आगे चल के कहीं पर थोड़ा रुकेंगे, वहीं पर देखते हैं कुछ नाश्ता वास्ता वहीं पर करेंगे। और ये महाराज थे, उनने शरण दी थी हमको नर्मदा मंदिर, सॉरी नर्मदा। तो अभी हम आ गए थोड़ा यहीं पे है, मतलब यहाँ से उज्जैन महाकाल नगरी 38 किलोमीटर है। तो अभी हमें यहाँ से 1 घंटे जैसा लगेगा। और अभी 2 भाई हमारे निकल गए हैं और हम भी चलते हैं थोड़ा वहाँ जाके। आज का नाइट स्टे वहीं पे होगा, मतलब वहीं पे विश्राम करेंगे। आज 2 दिन का विश्राम वहीं रहेगा। चलो वो आगे वीडियो में दिखाएंगे, चलते हैं। यहाँ पे 10 मिनट जैसा रेस्ट लिया था और इधर ये खेत से चने लिए थे। वो भाई थे खेत वाले, तो बोल गए थे अगर तुम्हें खाना है तो यहाँ से चने उखा लेना। तो हमने 2 बार इस खेत में से चना उखाड़े और यहाँ पे आके हमने खाए सब लोगों ने। और अब खा के चने निकल दिए यहाँ से, तो अब हम निकलते हैं आगे के लिए। यहाँ पे कायथा सिटी में, तो क्या है वो सामने अंकल बैठे हैं, चाय वाय पिलाई, थोड़ा बिस्कुट भी पिलाया हमें, चाय की गिलास दे रहे हैं और क्या बोल बिस्कुट दे रहा यार। और इधर हमारी साइकिल खड़ी है। अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा आगे के लिए, फिर आगे कहीं पर रेस्ट लेंगे, वहाँ का भाषण करेंगे। तो भाई बस महाकाल की नगरी में घुसने वाले हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर उज्जैन है और अभी हम उज्जैन से खड़े हैं 20 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे आगे कोई सिटी है तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं क्या है वहाँ पे, खाने पीने का कुछ है कि नहीं। और फिर हम चलते ही हैं आगे, देखते हैं रुकेंगे नहीं भी रुक सकते, मगर आगे के चलते हैं सीधा। हमने काफ़ी संघर्ष किया रोड पर चल चल के, कम से कम 7-8 दिन आज हमें हो गए कम्प्लीट। तो आज हम महाकाल की नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये दिख रहा होगा सामने महाकाल का बोर्ड है, महाकाल की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये बोर्ड दिख रहा होगा गाइस, हम पहुंच गए उज्जैन महाकाल नगरी। ये खड़े हैं यहाँ पे पीछे, इधर स्टेशन है, रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, मगर काफ़ी भीड़ है तो दर्शन का तो कुछ किया नहीं सकते। और ये देखो ये सामने लिखा है महाकाल द्वार, यहाँ पे कम से कम 10 लाख की भीड़ है और यहाँ पे दर्शन करना तो नामुमकिन है, पर फिर भी हम दर्शन करने आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। फिर जैसे भले और ये वाला रास्ता महाकाल नगरी गया है, मतलब मंदिर के लिए, और ये भी मंदिर के लिए गया है भाई। आज हम उज्जैन में आ तो गए, मगर यहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि सोने के लिए कहीं भी ना तो कोई होटल मिलेगा, ना कोई धर्मशाला मिलेगी, ना कोई लॉज मिलेगी। यहाँ पर इतनी खस्ता हालत है क्योंकि
यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमको कल महाकालेश्वर जी का कल मेला है, तो यहाँ पे शिवरात्रि के चक्कर में बहुत भीड़ है, और यहाँ पे कहीं सोने की कहीं व्यवस्था कोई है ही नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे मतलब लोग बाग फैले हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग बाग आए हुए हैं, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं से पूरा मतलब पूरा उज्जैन ही खचाखच है एकदम यहाँ पे, मतलब कहीं भी तुमको कतली बिल्कुल जगह ही नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया कि थोड़ा हम जा ही रहे थे रास्ते में, तो हमें एक भाई मिले, तो उनने बोला कि आप वहाँ पे जाएं, एक पानी की टंकी थी यहीं पे, तो उनने बोला कि तुम पानी की टंकी के पास जाएं और वहाँ पे मेरा नाम ले दें, तो वहाँ पे तुम्हें रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो भाई हमने वहाँ से आए, तो वहाँ से उनको बोल के संकल से बात की, तो उनने बोला कोई बात नहीं, आप रात में रुक सकते हो, और बाहर हमने अपना टेंट वेंट इंस्टॉल करने मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहीं पर हम सो जाएंगे। यहाँ से तो भाई भी बहुत खुश नज़र आ, मतलब सामान वामान इंस्टॉल कर ले रहे हैं, टेंट वेंट ये देखो, और रात भी होने वाली है, तो देखो साइकिल वाइकिल हमने इधर खड़ी कर दी है अपनी, और यहीं पे सो जाएंगे, और तो कोई चारा नहीं है, यहीं पे टेंट लगा के सो जाएंगे यहीं पे। अभी टेंट लगा ले रहे हैं तीनों के तीनों, क्योंकि एक महाराज का टेंट है, बाकी दो टेंट हमारे हैं। ये महाराज हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका है हमको यहाँ पर रोकने के लिए, क्योंकि कोई किसी को शरण नहीं देता, मगर उनने हमारी मजबूरी देखी तो उनने हमें शरण दी। अच्छा महाराज आपका नाम क्या है? राजू पटेल। अच्छा राजू पटेल जी हैं जिनने हमें उज्जैन में, जो कि यहाँ पे किसी को पैर धरने तक के लिए जगह नहीं मिलेगी, और हमें सोने के लिए जगह दी इनने, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। है उज्जैन का द्वारकाधीश मंदिर, और इसकी बनावट बिल्कुल ग्वालियर का किले की सेम बनावट है इसकी, और गुरुद्वारा साहिब का दरबार है, बंगला है, तो यहीं पे हम आज खाना, ये गुरुद्वारा साहिब का बंगला।